हूँ, कैसी जगह है, और मेरे घर वाले, मेरी बहन स्पेशली कह रही है, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है आप कैसे जगह पे रह रहे हो, कैसे YouTube पे प्रेजेंट कर रहे हो। मगर मेरा मानना बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरा मानना है कि मैं अंदर से अच्छा हूँ, और मैं चाहे कितनी भी गंदगी में रह रहा हूँ, और अगर अंदर से अच्छा हूँ, मैं कुछ गलत काम ना करूँ, तो सारी अच्छाई आपको अपने चारों तरफ दिखेगी। अरे, ये पॉडकास्ट सीरीज बनने जा रही है जिसका नाम है पाप। क्लियर है कि मैंने कुछ पाप कर लिया है। चलो, सब मेरे करीबी जिन्हें लगता है कि मैंने काफी गलत करा, मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ कुत्तों के साथ, ऐसा मैंने कई अपने घर वालों से सुन चुका हूँ, और बाहर वालों से मैंने ये तक सुना है कि इससे अच्छा तो बकरी पाल लेता हूँ। और इसे सुन के मेरे को काफी अच्छा भी लगा सुन के, मगर काफी दुख भी हुआ। मैं ऐसे समाज में रहता हूँ जहाँ पे लोगों को यही नहीं पता किस चीज की वैल्यू में करनी चाहिए और किस चीज की नहीं करनी चाहिए। लोग आंख बंद करके जी रहा था जब तक मैं बच्चा था। मैं मानूंगा जो बड़े होके आंख बंद करके जीते हैं वो अभी भी बच्चे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि नाम मैंने क्योंकि मेरे करीब लोग मुझे ऐसा एहसास करा चुके हैं। क्लियर है कि मैंने कुछ पाप कर लिया है, क्योंकि सब मेरे करीबी जिन्हें लगता है कि मैंने काफी गलत करा, मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ कुत्तों के साथ, ऐसा मैंने कई अपने घर वालों से सुन चुका हूँ। डेजी को जो ट्यूमर था उसको काफी बेहतर हो चुका है, वो आज लास्ट डोज लगे और डेजी खाने नहीं दे रहे, सही हो चुकी है। जिस किसी को भी लगता है कि मुझे डॉग से बहुत प्यार है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को डॉग से इतना प्यार है। हम जिस समाज में रहते हैं, मैं ऐसे समाज में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं समाज को बेहतर बनाना चाहता हूँ, और उस बेहतर बनाने में अगर मुझे ये छोटा सेक्रीफाइस करना पड़े, अपनी ज़िंदगी को लगाना पड़े, तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। इस पाप पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अपने समाज की, जानवरों की, खासकर कुत्तों की, जो भी मैंने इनके साथ रहते हुए शेल्टर में सीखा है। यहाँ पे 14 कुत्तों के साथ मैं रहता हूँ। हर कुत्ता अडॉप्शन रेडी नहीं है, मगर कुछ कुत्ते सीरियसली घर डिजर्व करते हैं, शाम का खाना, क्योंकि इतने सीधे हैं जो किसी के भी जीवन का अंदाज बदल सकते हैं, जिन्होंने मेरे गुस्से को एक अलग ही तरह से प्यार में बदल दिया है। उन्हीं में से एक ये डॉग है नीमी, और मंकी इना, और इनर्शिया निंजा, जो कि हमेशा एक्साइटमेंट में हिलती रहती है। फुर्ती में निंजा का कोई मुकाबला नहीं। अबे तुम गर्मी में भी पागल हो रहे हो, हे भगवान। अबे तुम गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? ये इना, खट, गर्मी नहीं लग रही? अगर आप गली के कुत्तों से मिलना चाहते हैं, तो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप भी इंडिया को बेटर देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।